Good morning, students. I hope you are safe and well at your home. बेटा हमने पार्ट बी वेब एप्लीकेशन बेसिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था क्लास 10. मैंने इसके पहले टू वीडियोस आपको डाल दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2. आज हम इसकी थर्ड वीडियो डाल रहे हैं, पार्ट 3. आई होप आपको लास्ट वाली वीडियोस समझ में आई होंगी. अगर आपने लास्ट वाली वीडियोस को नहीं देखा तो बेटा नेक्स्ट वाली वीडियोस भी आपको लिंक नहीं कर पाएंगी. तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस को के गो थ्रू हो जाइए, उसको देख लीजिए और अपने कंटेंट को समझ लीजिए, फिर ही आपको ये आगे समझ में आएगा हम किस चीज की बात कर रहे हैं. तो पहले हमने टोपोलॉजीज की बात की थी, नेटवर्क की बात की थी, किस तरह से कनेक्टेड होता है, लैन मैन वैन किया था सारा कनेक्शन. तो इसमें क्या है बेटा, नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे. नेटवर्क डिवाइसेज आर द कंपोनेंट दैट हेल्प अस टू कनेक्ट कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज टुगेदर सो दैट दे कैन शेयर डाटा रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, स्कैनर एटसेट्रा. नेटवर्क डिवाइसेज क्या होते हैं बेटा, जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को. जैसे कि उसने डाटे को शेयर करना हो या फिर उसने रिसोर्सेज मतलब डिवाइसेस को शेयर करना हो, प्रिंटर को, स्कैनर को. मैंने लास्ट वीडियोस में ये बताया हुआ है कैसे शेयर होते हैं प्रिंटर स्कैनर अगर नेटवर्क में लगे हुए होते हैं. तो कहते हैं जैसे हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर्स, ये सारे किसकी एग्जाम्पल है, नेटवर्क डिवाइसेस की. इनको हम एक्सप्लेन में पढ़ेंगे इनका मतलब क्या होता है. सबसे पहले आता है बेटा हब. A hub is a networking device that is used to help us in connecting multiple network host. ये देखो बेटा एक हब है जिसके अंदर ये लास्ट में क्या लगे होते हैं, पोर्ट्स लगे होते हैं. हम अलग अलग मल्टीपल नेटवर्क्स के होस्ट को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं एक हब के साथ. तो वो सारे आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं इस हब के थ्रू. तो हमें डाटा ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है. डाटा इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क. जब नेटवर्क में कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, जब एक डाटा दूसरे कंप्यूटर को भेजना होता है तो वो पैकेट्स में ट्रांसफर होता है, पार्टीशन हो जाती है डाटे की. सो व्हेन अ होस्ट कंप्यूटर सेंड अ डाटा पैकेट टू अ नेटवर्क हब. जब देखो एक कंप्यूटर है वो इसको हब को भेजता है अपना डाटा, द हब कॉपीज द डाटा पैकेट टू ऑल ऑफ इट्स पोर्ट्स. तो हब सारे पोर्ट्स में उस डाटे को क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है. टू विच इट इज कनेक्टेड, जिस इसके साथ ही कनेक्टेड होता है. सिमिलरली ऑल द पोर्ट्स दैट नो अबाउट द डाटा, सभी पोर्ट्स को उस डाटे के बारे में पता होता है. एंड द पोर्ट फॉर हूम द पैकेट इज इंटेंडेड क्लेम द पैकेट. और जब सभी को पता होता है जिस भी होस्ट के लिए वो डाटा दिया जाता है, वो होस्ट उसका क्लेम कर लेता है और वो डाटा उस कंप्यूटर नेटवर्क को मिल जाता है. ये क्या होता है बेटा, हब. नेक्स्ट है बेटा स्विच. है सारे सिमिलर से बट थोड़े थोड़े डिफरेंसेस इसमें देखे जाते हैं. स्विच क्या होता है, मोर इंटेलिजेंट देन हब. व्हाइल हब ओनली फॉरवर्ड द डाटा. हब क्या करता था, जब इसके पास डाटा आता था ये आगे फॉरवर्ड कर देता था जिस नेटवर्क का वो डाटा था. स्विच क्या करता है, वो फिल्टर भी करता है डाटे को और फॉरवर्ड भी करता है. विच इज मोर प्रूडेंट वे ऑफ डीलिंग विद द डाटा पैकेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और रियल वे है डाटे को हैंडल करने का. सो व्हेन अ पैकेट इज रिसीव्ड एट वन ऑफ द इंटरफेसेस ऑफ द स्विचेस. देखो ये क्या है, स्विच. स्विच में ये पोर्ट्स लगे हुए हैं, स्विच में भी. अगर इनमें से जिसके पास भी डाटा पैकेट्स आते हैं, इट फिल्टर एंड सेंड द पैकेट ओनली टू इंटरफेस ऑफ द इंटेंडेड रिसीवर. तो इसमें क्या होता है, ये सारे पोर्ट्स में डाटा को कॉपी नहीं करता. जब हब स्विच के पास डाटा आ गया तो सिर्फ उसी को डाटा भेजेगा जिसके लिए वो डाटा सेंड किया गया. हब में क्या होता है, वो सारे पोर्ट्स में उसको कॉपी तो कर देता है बट भेजता उसको है जिसके लिए होता है. पर एक बार कॉपी तो हो गया ना सब में, इसमें कॉपी नहीं होता, डायरेक्टली उसी पर्सन को भेजा जाता है जिसके लिए वो आता है डाटा आगे से. नेक्स्ट होता है बेटा राउटर. राउटर क्या होता है बेटा, राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डाटा ट्रैफिक फ्रॉम वन जैम्ड नेटवर्क टू अनदर फ्री नेटवर्क. राउटर क्या होते हैं बेटा, जैसे आपके पास कोई नेटवर्क जैम हो जाए और आपका डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा तो कोई और नेटवर्क को फाइंड आउट करना, फ्री नेटवर्क को, ताकि आपका डाटा आगे पहुंचा दिया जाए. तो ये ज्यादातर प्राइवेट कंपनी भी यूज कर सकती है, पब्लिक नेटवर्क सब में यूज होता है. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी है, यू कैन थिंक ऑफ अ राउटर एज अ ट्रैफिक पुलिस. जैसे ट्रैफिक पुलिस है, अगर जहाँ पे जाम लग जाता है तो वो दूसरी तरफ से अपने ट्रैफिक को निकालने के लिए अपने आदेश देती है, उसी तरह से राउटर है ट्रैफिक पुलिस की तरह है पर्सनल हु डायरेक्ट्स द नेटवर्क ट्रैफिक इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो नेटवर्क के ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है. नेक्स्ट आता है बेटा ब्रिजेस. ब्रिजेस क्या करता है, ब्रिज आपको देखो अगर आम नॉर्मल लैंग्वेज में देखो तो ब्रिज टू जो आपकी सड़क होती है उनको कनेक्ट करता है. उसी तरह से ब्रिज सब नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, टू सब नेटवर्क्स को. नेम से ही आपको पता लगेगा. विच आर अ पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क. सेम नेटवर्क के पार्ट है पर वो दोनों सब नेटवर्क है, अलग अलग हो गए हैं, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है ब्रिज. अ ब्रिज वर्क्स एज अ राउटर दैट कनेक्ट्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क.
ब्रिज क्या करता है, एक राउटर की तरह काम करता है जो कनेक्ट कर देता है टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को। यू कैन कनेक्ट टू डिफरेंट लैब्स, टू डिफरेंट फ्लोर्स बाय यूजिंग द ब्रिजेस। जैसे आप एक बिल्डिंग में हो, अलग अलग फ्लोर्स को कनेक्ट करना है तो आप ब्रिज के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा रिपीटर। रिपीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एम्पलीफाइज द रिसीव्ड सिग्नल। जो इसके पास सिग्नल आता है उसको एम्पलीफाई करता है। इट रिसीव्स अ सिग्नल एंड रीट्रांसमिटेड विद अ हायर लेवल और हायर पावर सो दैट द सिग्नल कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस बिफोर फेडिंग आउट। एम्पलीफाई का मतलब क्या है, उसको हाई पावर देता है ताकि वो और भी लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसफर हो सके, पहले ही वो खत्म ना हो जाए डाटा। तो रिपीटर उसको एक तरह से पावर देता है, एम्पलीफाई करता है सिग्नल को। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस है और साथ में हॉस्टल है, तो हॉस्टल थोड़ी सी दूरी पे होते हैं कैंपस से जो भी होता है। तो कहते हैं अगर अथॉरिटीज चाहती हैं कम्युनिकेशन सेटअप करना यूनिवर्सिटी कैंपस में और हॉस्टल में, तो वो क्या करेगी, रिपीटर्स विल बी वेरी हेल्पफुल टू देम एज इंस्टॉलिंग अ वायर्ड नेटवर्क विल बी कॉस्टली। अगर हम वायर्ड नेटवर्क को एस्टेब्लिश करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो इतनी दूरी पे वायर्स लगानी कॉस्टली पड़ सकती हैं। रिपीटर्स इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और एडवांटेज होगी इसकी, इससे कॉस्ट कम पड़ेगी हमें। वायर्स लगाने से बेहतर है हम रिपीटर्स को उस जगह पे यूज करें। गेटवे। गेटवे क्या होता है बेटा, एक नेटवर्क नोड है दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू अनदर नेटवर्क दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एंड एनेबल्स डाटा टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन नोड टू अनदर। इसमें क्या, देखो बेटा गेटवे एक तरह से वॉल बनी हुई है, यहाँ पे कोई और नेटवर्क काम कर रहा है, उधरली साइड कोई और नेटवर्क काम कर रहा है। सबका जो डाटा है, प्रोटोकॉल्स हैं, सब कुछ अलग अलग है। नोड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ की पॉइंट फॉर डाटा ऑन इट्स वे टू फॉर्म अदर नेटवर्क्स। इन लार्ज कंपनीज द गेटवे इज कंप्यूटर दैट डाइवर्ट द ट्रैफिक फ्रॉम वर्क स्टेशन इन द आउटसाइड नेटवर्क। किसी अदर आउटसाइड नेटवर्क को डाटा प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है गेटवे। ज्यादातर लार्ज प्राइवेट कंपनीज इसको यूज करती है। तो ये क्या थी बेटा, आपको पिक्चर्स भी साथ में दिख रही है, ये आपकी नेटवर्क डिवाइसेस थी। नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं बेटा इंटरनेट। अब इसके बारे में तो मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज बेटा यू आर इन 10th क्लास, तो इंटरनेट की आप फुल फॉर्म भी देख सकते हो। हमने आई थिंक इससे पहले कभी देखा ना हो इंटरनेट की फुल फॉर्म। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटर से बनता है इंटरनेशनल और नेट से बनता है नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क। ये देखो ये सारा क्या है, ग्लोबल, पूरा वर्ल्ड हमारा कनेक्टेड है। इट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स, लार्ज पब्लिक नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, सारे राउटर स्विचेस को कनेक्ट कर देता है ईच अदर से इंटरनेट। तो इंटरनेट की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेटा, अ वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट यूज टू असेस द वेबसाइट्स। इसमें बेटा करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले एक टर्म आती है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, जैसे आपके पास गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है आपके पास, जो भी एनीथिंग मोजिला फायरफॉक्स होता है, ओपेरा होता है, ये सारे क्या होते हैं वेब ब्राउजर, जिसके थ्रू आप इंटरनेट को असेस करने के काबिल होते हो, असेस कर सकते हो जिसके थ्रू। ये एक तरह से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वेब ब्राउजर, जिसके ऊपर आप वेबसाइट और वेब पेजेस को ओपन करते हो। इंटरनेट यूटिलाइज द TCP/IP प्रोटोकॉल एंड इज असेस्ड यूजिंग अ कंप्यूटर मॉडम, ब्रॉडबैंड, 3G 4G, इस तरह से नेटवर्क होते हैं इंटरनेट। इन केस ऑफ ब्रॉडबैंड मेनी कंप्यूटर एंड डिवाइसेज यूज वाईफाई कनेक्शन। वाईफाई कनेक्शन भी यूज होता है ब्रॉडबैंड में। सर्च इंजन के साथ आप कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो, फाइल, पिक्चर, सॉन्ग्स, वीडियोस को किसी के साथ डाउनलोड करके शेयर कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पे जैसे हम वीडियोस को अपलोड करते हैं। द इंटरनेट इज ऑल्सो यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स थ्रू सोशल नेटवर्क, ऑनलाइन गेम्स, फॉर्म्स, चैट, ईमेल्स। ईमेल्स और चैट्स के थ्रू हम एक दूसरे से बात भी करते हैं आजकल इंटरनेट पे। तो ये सारे क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। आप दोबारा से खुद पढ़ना, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये एक्सटेंडेड लर्निंग में बेटा उन्होंने बताया इंट्रानेट क्या होता है, जो एक प्राइवेट नेटवर्क है जो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और अलग अलग लैंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। इंटरनेट तो वैन्स को भी कनेक्ट कर देता है वाइड एरिया नेटवर्क को, पर जो इंटरनेट इंट्रानेट है वो प्राइवेट सेक्टर के में होता है, जैसे प्राइवेटली कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। राउटर एंड स्विच आर टू नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस यूज्ड इन कनेक्टिंग कंप्यूटर एंड डिवाइसेस टू सेटअप अ कंप्यूटर नेटवर्क। राउटर और स्विच अभी पढ़े हैं हमने, ये नेटवर्क को कनेक्ट करने की डिवाइसेस हैं अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की। नेक्स्ट बेटा एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ज्यादा एक्सप्लेन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ हम आप आजकल इंटरनेट पे यूज करते हैं। कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, सपोज मैंने आपको कोई असाइनमेंट दी है, जैसे वर्कशीट में एक आधी दी होगी, तो आप नेट से इजीली सर्च कर सकते हो, गूगल से सर्च करो, बिंग से सर्च करो, जिससे मर्जी।
इंटरनेट प्रोवाइड्स अलर्ट्स इन केस ऑफ एडवर्स सिचुएशन, सो पीपल कैन टेक टाइमली एक्शन एंड अवॉइड एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। जैसे बेटा कई बार कोई स्टॉर्म्स आने होते हैं, हरिकेन, एक्सीडेंट, जो भी इंटरनेट से हमें वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ये सारी पहले पता लग जाती, अलर्ट पता लग जाता है हमें कि क्या होने वाला है या समथिंग जो भी है। ना इंटरनेट सर्व्स यू एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट बताने की क्या जरूरत है, मूवीज, सॉन्ग्स, वीडियो सब कुछ देखते हो, गेम्स, मैनी डिफरेंट वेबसाइट नाउअडेज यूजिंग विच यू कैन बाय और सेल एनीथिंग। किसी भी जगह से हम कोई चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बिजनेस पर्पज के लिए काम होती है, रेलवे, एयरलाइन, बस टिकट्स बुक करने के लिए, ईमेल फैसिलिटी होती है, फ्रीली हम ईमेल सेंड कर सकते हैं किसी को, चैट मैसेंजर जैसे स्काइप हो गया, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ये सारे क्या है बेटा, इंटरनेट के एडवांटेजेस हैं जो कि आपको घर पे पढ़ने हैं अपने आप। डिसएडवांटेज में क्या आता है, अ लॉट ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। कई बार क्या होता है बेटा, जो इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट से मिलती है वो ऑथराइज्ड नहीं होती, वो करेक्ट नहीं होती, तो हमें मिसलीड करती है, हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है हम किस तरह की, कौन सी वेबसाइट ट्रस्ट हो आपका उस वेबसाइट से जिससे भी आप डाटा ले रहे हो। देर आर चांसेज दैट यू मे यूज द इंटरनेट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज सच एज सर्फिंग विदाउट इवन रियलाइजिंग द टाइम दैट यू मे बी वेस्टिंग। तो कई बार क्या होता है, हम इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं इंटरनेट के साथ, हमें टाइम का पता ही नहीं लगता सर्फिंग वगैरह करने में, तो ये भी डिसएडवांटेज है बेटा इंटरनेट की। इलीगल और इनएप्रोप्रिएट कंटेंट कैन ऑल्सो बी फाउंड। गलत कंटेंट मिल जाते हैं, क्रिमिनल्स आपके डाटे को स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, मिस यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट की। पीपल हैविंग रॉन्ग इंटेंशंस में यूज डेंजरस पर्पस सच एज स्प्रेडिंग वायरस, हैकिंग। ये क्या होता है, कोई ना कोई पर्सन किसी का कंप्यूटर जो होता है वो हैक कर लेते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, तो ये सारी क्या है डिसएडवांटेजेस। तो नेक्स्ट बेटा, वर्किंग ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट वर्क कैसे करता है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क करता है, तो मैंने आपको बताया था जो एक सर्वर है उसके साथ सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, क्लाइंट्स, इसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। काम कैसे करता है बेटा ये मैंने अभी बताया था, सर्वर क्या होता है, जो पावरफुल कंप्यूटर है जिसके पास सारी अथॉरिटी है, उसके साथ जो अटैच होते हैं वो क्या होते हैं, क्लाइंट्स। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, कोर कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क विच प्रोवाइड सर्विस टू द क्लाइंट्स एंड कंट्रोल द एक्सेस टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज। क्लाइंट्स आर द कंप्यूटर्स दैट नॉर्मली रिक्वेस्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन द सर्विसेज ओवर द नेटवर्क। आपको शॉर्ट वे में समझाती हूँ, जब भी क्लाइंट को किसी डाटे की जरूरत है या इंटरनेट की जरूरत है, वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और बाद में उसका रिप्लाई उसी क्लाइंट को दे देता है जहां से उसकी रिक्वेस्ट आई होती है। तो ये क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट आता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। फुल फॉर्म क्या है इसकी, वर्ल्ड वाइड वेब। नेम से पता लग रहा है, यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क असेसिबल इंफॉर्मेशन। नेटवर्क को असेस करने के लिए यूनिवर्स है जहां पे आप नेटवर्क को यूज करते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में W3C भी कहते हैं और इसको वेब भी बोल देते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट मे कंटेन टेक्स्ट, हाइपरलिंक, मल्टीमीडिया, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा। सब कुछ इसमें मिक्स होता है, टेक्स्ट, हाइपरलिंक, मल्टीमीडिया, ऑडियो, वीडियो, वेब पेजेस जो होते हैं वो सारे हमें किसमें दिखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें क्या, इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल बिल्ट ऑन द इंटरनेट। ये सारा क्या है, WWW के थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन को असेस करते हैं, सर्च करते हैं, वेब पेजेस देखते हैं, वेबसाइट्स देखते हैं एटसेट्रा। इसके लिए ब्राउजर्स होते हैं, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, अभी मैंने आपको बताया था, ये ब्राउजर्स है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को असेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है बेटा, WWW किसने बनाया और कब बनाया है। तो ये नेम आपको प्रॉपर याद रखना है, सर टिम बर्नर्स ली। WWW किसने बनाया, सर टिम बर्नर्स ली, जिसने की डेवलपमेंट की थी WWW की लेट 1980s में एंड अर्लीज 1990s में। इसने दो ईयर्स याद रखने हैं। तो इसका जो डायरेक्टर है, अभी इसका W3C का डायरेक्टर है, ये जो नाम है टिम बर्नर्स ली, ही हेल्प्ड बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स ऑफ द ओरिजिनल कोर वेब टेक्नोलॉजीज एंड कॉइंड द टर्म WWW। इन्होंने इस टर्म को सर्च किया था, फाइंड आउट किया था WWW। नेक्स्ट बेटा, बेसिक्स में क्या आता है, इंटरनेट में बेसिक्स में क्या, HTML यूज होता था वर्ल्ड वाइड वेब में। HTML क्या है, एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म जरूर याद करनी है। इस लैंग्वेज को यूज करके आप वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हो, हो सकता है आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी हो HTML। HTTP क्या होता है, प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू आप डाटे को कम्युनिकेट करते हो, ट्रांसफर करते हो एक साइड से दूसरी साइड। वेब सर्वर जो होस्ट कंप्यूटर होता है जिसको हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो डाटा सारा स्टोर होता है और वहां से हमें रिप्लाई मिलता है। वेब ब्राउजर मैंने कहा ही था एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं और इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट खोल सकते हो आप,
जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा जो भी होते हैं। तो ये क्या थे बेसिक्स। आई होप ये सारा समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, फर्स्ट टू सिक्स जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में करवाए हैं, आप पिछली वीडियोस और पीडीएफ्स को देखिए। 7 और 8 नंबर क्वेश्चन आपने कर लिया। ये जो डायलॉग वाला टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी, बट एक बार आप क्वेश्चन जरूर इसका नोट डाउन कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में होगा आया होगा। प्लीज कीप सीइंग वीडियोस बेटा, वीडियोस को देखते रहो तभी आपका सिलेबस कवर होगा, क्योंकि स्कूल लगने की अभी कोई चांसेस लग नहीं रहे हैं। तो अगर आप वीडियोस के साथ हमारा काम कंप्लीट करते रहोगे अपना, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा अगर आपके जब भी पेपर्स कंडक्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।